चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के। मिट्टी, माटी अर्थात मिट्टी, छत्तीसगढ़ी में माटी बोलते हैं। इसका अर्थ हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप आम नागरिक हो, चाहे वो किसान हो, कुम्हार हो या कोई भी हो, मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा अस्तित्व है हमारे जीवन में। तो आज इसी मिट्टी के गांव जो कि कुम्हार रास दंतेवाड़ा जिला महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पहुंचा हुआ हूं मैं। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूं कुम्हार रास में कुम्हारों के द्वारा मिट्टी के जो कलाकृति किया जाता है, काफ़ी सदियों से, हजारों साल पहले से, सैकड़ों साल पहले से यहाँ पर मिट्टी पर कार्य किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को आज के इस एपिसोड में दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कुम्हार रास की ओर। क्या नाम है भैया आपका? तुलसीराम। तुलसीराम, तुलसीराम जी, आप क्या क्या बनाते हैं? मटकी बनाता हूँ, तंदूर। तंदूर, वही तंदूर जो होटल्स वगैरह में अपन चिकन फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं? चिकन फ्राई नहीं, रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाने के लिए, अच्छा। तो दोस्तों, ये है मटकी, पानी भरने का यूज़, और जो अपन सेल्फी पेड़ में देखते हैं, इसे छोटा होता है, उसको लटकाया जाता है, और ये तंदूर है। पत्थर वाला है ना? ये पत्थर वाला है, सबसे पुराना। इसको क्या बोलते हैं? ढोकरा, ढोकरा चाक है ना ये, इसको ढोकरा चाक बोलते हैं। ये पुराना वाला, ये इसके नीचे एक पत्थर होगा, अच्छा। पत्थर पे ये बेस बना हुआ है, इसी पे घूम रहा है। ये सबसे पुराना, मतलब पुराना वाला चाक ये है। अभी तो मशीन वाली आ गई है, लाइट से चलने वाली। हाँ, जो हमारे पहले पास है। जो लोकल पहले हुआ करता था, स्टार्टिंग इसी से हुआ था। इसके बाद एक और है, बेरिंग वाला, उसमें थोड़ा ताकत कम लगता है, लेकिन इसको चलाने के लिए ताकत भी चाहिए और बैलेंस भी चाहिए। काका, क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? मटका। मटका, मेरे से ज्यादा उम्र है लोकी हवा, लेकिन मेरे से ज्यादा फिट है। हाँ, एकदम फिट है, रोज मेहनत कर रहे हैं। दादा, कितना उम्र हुआ हमारा? हाँ, इतना हो गया तो 70-80 उतना नहीं है, 60, 4 साल कम है 60 होने के लिए। अच्छा, 56। ये आपका नाती है पीछे? आओ, उसको गोद में लेते हैं, उसको गोद में लेके ऐसे मारना पड़ता था, धीरे धीरे ये बड़ा होता है। अच्छा, मतलब ये निकालने के बाद वाला साइज है। हाँ। उसके बाद जब इसको रख के मारेंगे तो ये इसमें, ये और फैलेगा, इसमें गोद में रखेंगे और फिर धीरे 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 बनाते। अभी करोगे क्या? अभी नहीं होगा, गीला है। अच्छा, गीला है, कल होगा ना? कल करेगा। ये वाला मिट्टी यूज करते हो ना काका? ये वाला मिट्टी यूज करते हो? हाँ। ये सामने जो है, क्या मिट्टी बोलते हैं इसको? क्या मिट्टी बोलते हैं इसको? हंडी बनाने मिट्टी। हंडी बनाने, आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हो? हंडी। हंडी मिट्टी। और लाते कहाँ से हैं बाबा इसको? मिट्टी को इधर से लाते हैं, नदी से। नदी से नहीं, और नदी किनारे से लाते हैं, नदी किनारे से। और ये जो मट्टे है, इसके अंदर रंग है, मिट्टी का रंग, मिट्टी का ही बनाता है ये रंग, और ये इसको बनाते हैं। जब भट्टी में डालने से पहले इसको रंगा जाता है, फिर पकाया जाता है, इसकी वजह से उसमें ग्लेज आता है अलग सा। हाँ, क्योंकि वो ब्राउन, वो चमकता रहता है, पीछे वो मटका रखा है, देखो ना क्या चमक, उस रंग के कारण है। तो ये मिट्टी से ही बनता है, कलर भी मिट्टी से बनता है। दोस्तों, ये एक कंप्लीट मटका बना हुआ है, और इसको दादा बना रहे थे, देखे हमने, और जो इसका कलर है वो भी मिट्टी का ही कलर है। मिट्टी के कलर को घोल के और उसको ऐसे करके कलर दिया जाता है। देखे थे ना, उस सेब को पीट पीट कैसे लाते हैं? अच्छा।
पहले उसी साइज में रहता था जो वहाँ निकाले अपन। हाँ, ये वैसे ही है ना। अभी इस साइज को उस साइज में लेकर आना पड़ता है तो वो उतना फैलता है भैया, उतना फैलता है, बड़ा हो इससे बड़ा हो जाएगा, उससे हाँ। भी बड़ा होगा ये। हाँ। क्या इसको एकदम बारीक करेंगे, अभी मोटा है ये, इसको धीरे 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 धीरे। तो ऐसा करके ये ठोक पीट के ये इससे भी बड़ा एक साइज बनेगा। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? नाम हाँ, कितना दिन से कर रहे हो आप? बचपन से ही? हाँ, बचपन से है। अभी क्या कर रहे हो, फैला रहे हो उसको? नहीं, ये चिकन में चिकना रहे हो। चिकना रहे हैं। हाँ। ठीक। उसको क्या बोलते हो भैया, वो जो जिससे मार रहे हो? ये नहीं, 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 मार लकड़ी वाला ये है। क्या है? अंदर में पत्थर रख के इसको ऊपर से मारते हैं बराबर। ऊपर ही रहता है, अंदर नहीं रहता है। चेनिया थोड़ा ऐसा। अच्छा से। चेनिया का थोड़ा ऐसा मारते हैं वैसे। बहुत बारीक काम है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो मटका खराब हो जाएगा, फिर दोबारा जोड़ेगा नहीं, जोड़ेगा ना। अगर जोड़ के करेंगे। ये क्या है भैया? राख है, लकड़ी का राख है। इसको क्या चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? यानी चिपक जाएगा वो। अच्छा, वो चिपके मत मिट्टी के साथ ऐसा। ठीक, एक तरीके से पाउडर का काम कर रहा हूँ। ये मैं रोक दिए, इधर खराब हो गया इसीलिए टूट गया है ना, उधर टूट गया है, उसमें मिट्टी लगा के जोड़ रहे हैं उसको। जोड़ रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये सुखाने के बाद हुआ कि बनाते बनाते टूटा था? उसको सुखाए थे तब टूटा है? नहीं, अभी टूट गया। अभी टूट गया था, उसको बराबर कर रहे हैं। दोनों बार से मार पड़ता है ना। हाँ हाँ, इधर पत्थर है, इधर लकड़ी है। हाँ हाँ, दोनों बार से मार दे। हाँ, तो बैलेंस इधर उधर हो जाता है, टूट जाता है ऐसा। दोस्तों, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने कुम्हार राज के सभी कुम्हारों को आपको दिखाया, यहाँ के जो आर्ट है, जो वर्क है, उसको दिखाया। इससे पहले दो एपिसोड में आपने लगातार देखा है, पहला एपिसोड था माटी कला केंद्र के जो इंचार्ज हैं, हेड हैं, उनका इंटरव्यू था, और सेकेंड एपिसोड में आपने देखा माटी कला केंद्र में किस प्रकार से मिट्टी के कार्य, टेराकोटा कार्य किया जाता है। और आज का जो ये तीसरा फाइनल एपिसोड था, जिसमें हमने आपको कंप्लीट दिखाया है कि कुम्हार जो है परंपरागत तरीके से कैसे मिट्टी पर कार्य करते हैं। और अगर आपको इन तमाम चीज़ें जो है पसंद आया होगा, आप हमारे इस चैनल में नए होंगे तो नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो इसी प्रकार के और भी खूबसूरत वीडियो जब भी हम बनाएंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।